अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है। यस स्टार्ट हुआ। अच्छा हाँ, वो मैं स्लाइड शेयर करूंगा। दरअसल वो स्लाइड दूसरे वाले पीसी पे है, वो कलीग अभी है नहीं, तो मैं नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर शो कर दूंगा आपको वो वाली स्लाइड। ओके सर। ओके तो शुड वी स्टार्ट या 2-3 मिनट वेट करें लोगों का? अभी 8 बजा है, स्टार्ट कर लेते सर। स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। किरण जी आपने ज्वाइन किया है? हाँ सर किया है। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। अच्छा मनीषा जी जरा अनम्यूट कीजिए अपने को। हाँ जी सर। हाँ तो बताइए कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ाया था। सर लास्ट टाइम आपने पढ़ाया था जो ग्रह होते हैं। हाँ एक तो आपने पढ़ाया था कि नक्षत्र राशियों में 27 नक्षत्र होते हैं। हाँ और नक्षत्र के एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हाँ और हर राशि 30 डिग्री हर राशि 30 डिग्री की होती है। बिल्कुल ठीक है। और जो एक चरण है जो एक नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। नमस्कार। हाँ 13 डिग्री 20 मिनट। यस हाँ तो एक चरण 3 डिग्री और 20 मिनट का होता है। 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण हो गया। हाँ जी। क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है तो उसके 4 चरण है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिग्री। हाँ जी। तो वो हेलो। हाँ जी। और 27 नक्षत्र को जो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो 108 नंबर आता है वो मन का, इसीलिए 108 नंबर की होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यही आपने कहा, सही आपने एकदम समझाया इस चीज को। हाँ तो कहने का मतलब ये था कि प्लैनेट्स के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, नक्षत्रों को बताया था कि पूरे आसमान को 12 राशियों में डिवाइड किया गया है, 27 नक्षत्रों में डिवाइड किया गया है। हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक राशि 30 डिग्री की होती है और एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं जो कि 1 चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया था पिछली बार। प्लैनेटरी फैमिली में मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताया था कि कौन कौन से ग्रह कैसे कैसे उत्पन्न हुए, किस राजा से किस रानी से, उनके बारे में बताया। उसके बारे में छोटी छोटी कहानियां भी आप लोगों को सुनाई। तो उसमें ये भी बताया था, मैं थोड़ा रिविजन कर रहा हूँ आपका, एक सेकंड में बताता हूं जरा। देखिए जैसे हमने ये जिक्र भी किया था इसके अंदर के जो राम अवतार हैं वो सूर्य, यानी जो राम का अवतार हुआ है वो सूर्य ग्रह से हुआ है, चंद्रमा का कृष्ण से हुआ है, मंगल ग्रह मंगल का नरसिंह भगवान का मंगल ग्रह से हुआ है, बुद्ध से बुद्ध का हुआ है, और बृहस्पति से वामन अवतार हुए हैं, शुक्र से परशुराम अवतार हुए हैं, शनि से कुर्म अवतार हुए हैं, राहु से वराह अवतार हुए हैं और केतु से मीन अवतार हुए हैं। तो ये अवतारों के बारे में हमने बताया था पिछली बार कि ये इस तरीके से ये जितने ग्रह हैं ये ग्रहों से ही अवतारों ने जन्म लिया है। श्री सूर्य ने श्री राम से लिया, श्री सूर्य ने सूर्य से राम ने लिया है, इसलिए रामचंद्र जी को हमेशा सूर्यवंशी बोला जाता है। कृष्ण जी को हमेशा चंद्रवंशी बोला जाता है क्योंकि वो चंद्रमा ग्रह से उन्होंने जन्म लिया है। तो ये एक जस्ट एक नॉलेज की बात थी खाली। इसमें ये मैंने आपको बताया था कि सूर्य को हम लोगों ने राजा की उपाधि दी है। सूर्य सबसे तेज है, सबसे शक्तिशाली है और समान रूप से पूरे विश्व को देखता है, तो इसलिए इसको हमने राजा की उपाधि दी थी। हमने कहा था कि सूर्य जो है वो राजा की उपाधि हमने उसको दी थी। और हमने बताया था कि जपा कुसुम संकाश है काश्यपम महदिमत तमोर सर्वपाद प्रक्रम कतृपी दिग्वाक्रम, यानी कि वही कश्यप ऋषि के पुत्र थे। और तो इसके बारे में आपको बताया गया था कि कश्यप ऋषि के पुत्र थे सूर्य जो थे, जिनकी शादी संज्ञा से हुई थी, विश्वकर्मा की बेटी थी। तो सूर्य इनमें सब में राजा कहा जाता है। और सूर्य की जो राशि होती है वो सिंह होती है, ये आपने शायद याद करा पीछे लिखवाई थी कि सूर्य को और चंद्रमा को सिर्फ एक राशि का स्वामित्व मिला है और सूर्य को मिला है स्वामित्व सिंह राशि का। तो सूर्य के पास केवल सिंह राशि होती है, ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, तभी इसका आगे वर्णन होगा। फिर चंद्रमा को भी कई कई मत हैं चंद्रमा के बारे में शास्त्रों में।
कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमा राजा होता है, कुछ लोग कहते हैं चंद्रमा रानी होती है, लेकिन चंद्रमा को हमने यहाँ पे रानी की फॉर्म में दिखाया है क्योंकि स्त्री कारक ग्रह होता है चंद्रमा, और चंद्रमा बहुत शीतल होता है, ममतामयी होता है, तो इसलिए हमने चंद्रमा को स्त्री रूप में दिखाया हुआ है, रानी के रूप में दिखाया हुआ है। इसकी राशि होती है कर्क, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है मंगल। मंगल को हमने बताया था सारा आपको कि मंगल कैसे पैदा हुए। मंगल के पास दो राशियां हैं, मंगल को सेनापति बोलते हैं। मंगल के पास दो राशियां हैं, एक मेष और एक वृश्चिक। मेष और वृश्चिक दो राशियां इनको दी गई हैं मंगल को। इसके बाद आते हैं बुध। बुध को हमने बताया था कि बुध को हम लोग युवराज बोलते हैं, युवराज क्योंकि चंचल होते हैं थोड़े, तो युवराज बोलते हैं बुध को। चंद्रमा से उत्पन्न हुए थे बुध, ये भी बताया था आपको हमने। इनके पास दो राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या, ये ध्यान रखना है। अभी मैं पूछूंगा इनको, जरा ध्यान करते रहिए, नोट कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। फिर आते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में सब आपको बताया था, और इनके पास जो दो राशियां होती हैं वो होती हैं धनु और मीन। बृहस्पति के पास दो राशियां होती हैं, धनु और मीन। इसके बाद आते हैं शुक्र ग्रह, जो दैत्यों के गुरु हैं, इनके पास भी दो राशि होती हैं, वृष और तुला। वृषभ और तुला यानी दो नंबर और सात नंबर, तुला सात नंबर होती है, वृषभ दो नंबर होती है, ये वीनस के पास है। शनि के पास भी दो राशियां हैं, शनि के बारे में आपको बताया था, उनके पास दो राशि है, मकर है, कुंभ है, यानी दस नंबर की राशि है और ग्यारह नंबर की राशि है, दो राशियां इनके पास है। इसमें राहु का पिछली बार जिक्र मैंने किया नहीं था, लेकिन राहु का फिर भी थोड़ा सा ये बता देता हूं मैं कि राहु के पास राहु और केतु को कोई भी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया है, बाकी ग्रहों को दिया गया है, राहु और केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया है। राहु उच्च के और नीच के डिफरेंट राशियों में होते हैं, वो आपको आगे मालूम चलेगा। अभी मतलब आप ये मान के चलिए कि राहु और केतु को कोई भी राशि नहीं दी गई है, केवल सूर्य से लेके शनि तक को ही राशियां दी गई हैं। उसके बाद आता है केतु। इसी प्रकार सिमिलरली केतु के पास भी कोई राशि नहीं है, तो ये हमारा इसके अंदर ये सारे ग्रहों की एक प्लैनेटरी फैमिली है, तो यही इसके अंदर दिखाया हुआ है। आप देखेंगे तो ये कि सूर्य है वो राजा है, चंद्रमा है वो स्त्री का रूप दिखाया, रानी का रूप दिखाया हुआ है, बुध को युवराज का रूप दिखाया हुआ है, ये सारे रूप दिखाए हुए हैं। और इनके आगे जो लिखा हुआ है, जैसे युवराज बुध के आगे लिखा हुआ है तीन नंबर, और फिर युवराज की फोटो यहाँ छह नंबर पे भी है, इसका मतलब बुध ग्रह को तीन नंबर राशि और छह नंबर राशि दोनों राशियां दी गई हैं बुध को। वृश्चिक को, वृश्चिक और मेष, मनीषा जी बताइए किसको दी गई है वृश्चिक और मेष राशि? मंगल। मंगल को दी गई है, वेरी गुड। मंगल को मेष और वृश्चिक राशि दी गई है, एक नंबर और आठ नंबर, नौ नंबर राशि और बारह नंबर राशि, नौ नंबर राशि धनु और बारह नंबर राशि मीन। अंजुल जी बताइए किसको दी गई है ये? सर गुरु को दी गई है, बृहस्पति। बृहस्पति को दी गई है, गुड। वृषभ राशि और तुला राशि, अजय जी किसको दी गई है ये? शुक्र को दी गई है। शुक्र को दी गई है, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। तो ये हमारा टोटल राशियों का प्रभाव था जो इसमें राशि हमारी है। इसके बाद में आपको आगे पढ़ाता हूं जो ग्रहों के बारे में। आज हमारा जो पार्ट चलने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लोग नए एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज भावों के बारे में हम लोग बताएंगे कि भाव कौन कौन से कुंडली में भाव होते हैं, कुंडली कैसे बनती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जिन लोगों की बेसिक प्रेडिक्शन चल रही है, एस्ट्रोलॉजी चल रही है, मनीषा जी हैं, अजय शर्मा जी हैं, अंजुल जी हैं, मनन जी हैं, ये लोग सब ध्यान रखें कि कैसे कैसे कुंडली बनाते हैं और कैसे हम लोग भावों को डिसाइड करते हैं, ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। अभी हम शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ भाव, इस वाली जो प्रेजेंटेशन है इसमें हमने ये बताया है कि कुंडली में भाव कितने होते हैं और भावों के नाम क्या हैं, भावों से क्या देखते हैं। कुंडली तो आप लोगों ने कहीं अक्सर अपने
जन्म की कुंडली कहीं बनी देखी होगी, किसी पंडित से बनवाई होगी तो आपने देखा होगा कुंडली को, लेकिन कुंडली में आप ये समझ नहीं पाते कि कौन सा भाव कौन से नंबर का कौन सा भाव है, चौथा भाव कौन सा है, पांचवा भाव कौन सा है, छठा भाव कौन सा है, और हर भाव से हम लोग क्या देखते हैं, वो सब चीजें आपको अब मालूम चलना चालू होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसमें ध्यान से रखिए, क्योंकि यही आपकी नींव पड़ेगी, यहां से फाउंडेशन आपकी स्टार्ट होगी। कुंडली का मैं बताता हूं, कुंडली बनाने के लिए रेक्टेंगल एक बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए सबसे पहले, रेक्टेंगल स्क्वायर, स्क्वायर बना लीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए, कोई भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक लाइन इस तरह से डालिए, फिर दो लाइन इसके पैरेलल में डालिए, फिर एक लाइन इसको क्रॉस करते हुए डालिए, और दो लाइन इसको पैरेलल करते हुए डालिए। तो ये हमारी कुंडली तैयार हो जाती है। हम लोग इस कुंडली को नॉर्थ इंडिया में इस्तेमाल करते हैं, साउथ इंडिया में जो कुंडली होती है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप की होती है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि साउथ इंडिया में कुंडली किस टाइप की होती है। ये नॉर्थ इंडिया में यही कुंडली इस्तेमाल होती है, अक्सर हम लोग जब भी कुंडली देखते हैं वो इस तरह की कुंडली ही देखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कुंडली है, कुंडली कैसे बनती है, इसको ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आसानी रहेगी आपको कुंडली बनाने में। अब इसमें हम बताते हैं भाव। अब देखिए कुंडली आप देख रहे हैं, यहाँ फर्स्ट नंबर लिखा है, यहाँ रोमन संख्या लिखी हुई है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, ऐसे करके फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक की रोमन संख्या लिखी हुई है। फर्स्ट जहां पे लिखा हुआ है ये आपका फर्स्ट भाव होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट भाव, जिसको लगन बोलते हैं, जहां पे लगन होता है फर्स्ट भाव, यानी ये आपका फर्स्ट भाव है। और उसके एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज ना चल के एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी फर्स्ट, फिर सेकंड भाव हमारा हो गया, थर्ड भाव हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ अलेवेंथ और ट्वेल्थ। इस तरीके से हमारे ये 12 भाव हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 12 भाव में पहला भाव जो आपको मैंने बताया ये वाला है, और ये ध्यान रखिए कि ये भाव हमेशा फिक्स होते हैं, इन भावों में चेंज नहीं होता। किसी भी कुंडली में देखेंगे, चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, जहां पे फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, ये पहला भाव ही होगा, और दूसरा भाव जहां रोमन टू लिखा है वो दूसरा ही भाव होगा, चाहे वहां पे कोई भी नंबर क्यों ना लिखा हो। उससे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप बस इतना ध्यान रखिए कि फर्स्ट भाव कौन सा है, सेकंड भाव कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ अलेवेंथ एंड ट्वेल्थ। ये अजय जी समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से आ गया सर, समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से इसको सुनना है। तो ये 12 भाव होते हैं कुंडली के। अच्छा, ये 12 भाव जो होते हैं ये 12 चीजों को डिनोट करते हैं। पहला भाव जो डिनोट करता है वो तनु, यानी तन, तन बोलते हैं, तन को डिनोट करता है, मतलब आदमी के शरीर को डिनोट करता है, आदमी की पर्सनालिटी को डिनोट करता है। पहला भाव उस चीज को डिनोट करता है जो लगन भाव होता है हमारा, जो हमने पीछे पढ़ा भी था कि लगन से हम लोग क्या क्या देखते हैं, आगे भी पढ़ेंगे इसको। तो पहला भाव हमारा तन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा भाव जो हमारा होता है वो धन को रिप्रेजेंट करता है, कि हमारे पास जमा पूंजी कितनी है, हमारे पास मूवेबल या नॉन मूवेबल असेट्स कितने पड़े हुए हैं, हमारे पास सोना चांदी जेवरात कितने पड़े हुए हैं, तो वो दूसरा भाव बताता है इसके बारे में। तीसरा भाव हमें बताता है पराक्रम के बारे में, कि भाई हमारे अंदर कितना पराक्रम है। हम लोग ऐसा तो नहीं कि जरा सी कोई चिंता आई या जरा सी कोई बात हुई उससे डर गए, तो वो पराक्रम के बारे में तीसरा भाव बताता है। अब ये भाव पराक्रम बताएगा, किसी का पराक्रम अच्छा होगा, किसी का पराक्रम कम होगा, तो कैसे मालूम करें किसी का पराक्रम अच्छा है किसी का कम है? तो उसके लिए डिपेंड करता है कि इसमें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाली स्लाइड्स के अंदर, कि कौन से ग्रह इसके अंदर बैठे हुए हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये पराक्रम कम होगा या पराक्रम ज्यादा होगा, या उन पे कैसा प्रभाव है उन भावों के ऊपर। तो ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट भाव तन वाला भाव होता है, तनु भाव बोलते हैं, सेकंड भाव को धन भाव बोलते हैं, थर्ड भाव को विक्रम भाव बोलते हैं, चौथे भाव को सुख भाव बोलते हैं। ये इंसान का सुख दिखाता है सारा, मन की शांति दिखाता है, घर का माहौल दिखाता है। पांचवा भाव को संतान भाव बोलते हैं, बुद्धि का भाव भी बोलते हैं, एजुकेशन भाव भी बोलते हैं, वो आगे आएगा, बट मोटा मोटा याद रखिए कि जो शास्त्रों में दिया हुआ है इसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि पांचवा भाव संतान का,
छठा भाव हमारा होता है रोग, छठा भाव हमारा रोग दिखाता है। सातवां भाव दारा, दारा मतलब क्या हुआ, दारा मतलब हुआ लाइफ पार्टनर, दारा मतलब हुआ पत्नी। अब पत्नी के भी बहुत सारे पर्यायवाची दिए हुए हैं, संस्कृत में उसे कामिनी भी बोला गया है और दारा भी बोलते हैं। अब दारा को जैसल उसे बोला गया है जो थोड़ी डोमिनेटिंग पत्नी होती हैं, और कामिनी उन्हें बोला गया है जो सौम्य पत्नी होती हैं, उन्हें कामिनी बोला जाता है संस्कृत के अंदर। तो दारा हाउस, ये वाला हाउस दारा हाउस कहलाता है, यानी ये लाइफ पार्टनर का हाउस है। ये लाइफ पार्टनर आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है और आपका वाइफ भी हो सकती है, या आपका हस्बैंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आठवां भाव जो भाव है ये आयु भाव या मृत्यु भाव कहलाता है। ये आयु भाव मृत्यु का भाव कहलाता है। इससे आयु देखते हैं, मेरे ख्याल से किसी का माइक खुला हुआ है, शायद वो म्यूट कर लीजिए। तो आठवां भाव जो है ये आयु का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है। इससे हम लोग देखते हैं मृत्यु कारक कष्ट क्या है, या आदमी दीर्घायु होगा या शॉर्ट आयु होगी उसकी, क्या रहेगा, ये आठवां भाव से देखते हैं। नवा भाग्य भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है। तो नवे भाव से भाग्य देखते हैं कि तब भाग्य उन्नति करेगा या नहीं करेगा, वो नवे भाव से देखते हैं। दसवां भाव कर्म का भाव होता है। जितने प्रकार के कर्म होते हैं हमारे, चाहे हम नौकरी कर रहे हों, चाहे हम पूजा पाठ करते हों, या कोई भी कर्म हम करते हों, जो भी कर्म हमारी जीविका के लिए हैं, जीविकोपार्जन के लिए, इवन हमारे अपने लिए भी कर्म हैं, जो भी कर्म हम करते हैं, वो सारे नित्य कर्म हमारे दसवें भाव से देखे जाते हैं। ग्यारहवां भाव लाभ भाव होता है, आय का भाव होता है। यानी इंसान को कितना लाभ होगा, कितनी आय होगी, इसके बारे में जानना हो तो वो ग्यारहवें भाव से मालूम चलता है कि वो कैसा भाव उसका है। ये लाभ का भाव होता है और आय का भाव होता है। और जो बारहवां भाव होता है वो आपका व्यय का भाव होता है, खर्चे का। ये खर्चा दिखाता है बारहवां भाव। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मनीषा जी बताइए सातवां भाव किस चीज का है, किसी में देख के बताइए कुंडली में। दारा पार्टनर, हाँ लाइफ पार्टनर का भाव है। अच्छा जी दसवां भाव किस चीज का है। ये अपने कर्म, जो भी हम अपना काम करते हैं डेली रूटीन में अपने जीविकोपार्जन के लिए, उन सब हाँ। के सारे कर्म। अच्छा रुपेश, रुपेश बैठे हैं, रुपेश। यस सर, यस सर। हाँ रुपेश जरा बताओ तो सही है, विक्रम भाव कौन सा होता है। थर्ड सर, तीसरा भाव सर। तीसरा भाव विक्रम भाव होता है, इससे पराक्रम देखते हैं। यस सर। अंजुल जी बताइए संतान भाव कौन सा होता है। सर पांच नंबर पर होता है संतान भाव। संतान भाव पांच नंबर पर होता है। अच्छा वेरी गुड, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। थोड़ा आगे चलते हैं इससे, ये आपको मैंने बहुत मोटा मोटा बताया है डिटेल। पांचवा भाव सर, पांचवे भाव में एजुकेशन भी होता है। हाँ पांचवें भाव में एजुकेशन भी होता है, लेकिन शास्त्रों में जब इनके एक नाम से वर्णन किया गया है तब इसको तनु धन विक्रम सुख और संतान के नाम से वर्णन किया गया है इसका, ठीक है। लेकिन इनसे और बहुत चीजें देखते हैं, 60-70 क्लासिफिकेशन होते हैं इनसे करीब करीब। ऐसी चीजें हैं कि 50-60-70 चीजें देखी जाती हैं इनसे। आगे क्या क्या चीज इनसे देखते हैं हर भाव से वो मैं आपको बताऊंगा, कि संतान वाले भाव से और क्या क्या देखते हैं, सुख वाले भाव से और क्या क्या देखते हैं, वो मैं आपको आगे अभी भाव पढ़ाएंगे तो उस भाव में आपको आइडिया हो जाएगा। ओके सर। देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा इस वाले के अंदर। देखिए यहां पर क्या है कि कुछ नंबर भी पड़े हैं, 3, 4, 5 इस तरह से नंबर भी पड़े हुए हैं, और कुछ रोमन नंबर भी पड़ा हुआ है। तो ये तीन नंबर क्या है, ये जेमिनी लगन है। जेमिनी लगन, इसका मतलब ये है कि हमने कहा था कि जो भी राशि जब बच्चा पैदा होता है तो पूर्व जन्म में जो राशि उदय होती है वो उसका लगन कहलाती है। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ होगा तो जो पूर्व जन्म में राशि उदय हुई वो तीन नंबर राशि उदय हुई, मिथुन राशि। तो ये मिथुन राशि है, यानी मिथुन लगन हो गया ये वाला, ये मिथुन लगन हो गया इनका। और इसके बाद अगर आप देखें चार नंबर राशि, क्योंकि तीन नंबर राशि यहाँ पे आई है तो चार नंबर राशि एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। सर एक बार तीन नंबर फिर बताइए ना, जो आपने बोले पूर्व जन्म, जो तीन नंबर आपने बताया है
हाँ पूर्व जन्म में जब उदय हुआ वो एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए सर। हाँ मतलब जिस समय बच्चा पैदा होता है, जिस समय जन्म लेता है बच्चा, उस समय आसमान का नक्शा देखते हैं, और हमने बताया कि आसमान को पूरे हमने 12 राशियों में और 27 नक्षत्रों में डिवाइड किया गया है। तो पूर्व दिशा में जो राशि दिखाई पड़ती है ईस्ट साइड में, वो राशि लगन कहलाती है। तो उस राशि को लगन समझ के चलना है, और वो समझ गया सर। वो फर्स्ट भाव में लिखी जाती है, और फर्स्ट भाव में 3 नंबर आ गया तो दूसरे भाव में 4 नंबर आ गया, तीसरे भाव में 5 नंबर राशि आ गई, तो इस तरीके से ये राशियां आ गई 12 नंबर तक। अब ये कंफ्यूज मत कीजिए आप इसमें, मैं थोड़ा आपको बस यहां पर मैं इस कुंडली में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये अगर आपको क्लियर हो गया तो बहुत आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, कि यहां पे ये तीन, सॉरी पीछे वाला चला गया स्लाइड, हाँ ये 3 नंबर राशि है यहां पे, लेकिन यहां 1, इसका मतलब क्या हुआ कोई बताएगा? अंजुल जी बताएंगे आप? ये पहला भाव है सर, ये जैमिनी लगन है, और ये जो पहला है, पहला भाव है, ये खुद के बारे में दर्शाता है कि ये जो आदमी है या औरत है इसका नेचर क्या है, मतलब गुस्सैल होगा, शांत होगा, वैसा जो समझ में आता है मेरे सर। एग्जैक्टली तो कहने का मतलब ये है कि ये भाव तो पहला ही है, लेकिन यहाँ पे राशि लिखी हुई है 3 नंबर, तो कभी इस राशि से कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ 3 नंबर आप देखें तो इस पहले भाव को आप कहने लगे कि भाई 3 नंबर भाव है ये, तो ये तीसरा भाव है, ये तीसरा भाव नहीं है, तीसरा भाव यही वाला है जो 3rd नंबर जहां पे ये रोमन 3rd लिखा हुआ है। शर्मा जी समझ में आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये क्या है कि रोमन अलग है, वैसे न्यूमेरिक नंबर अलग दिए हैं, इससे क्लियर हो रहा है। ये रोमन इसमें दरअसल वो आपकी सुविधा के लिए डाला हुआ है, अदरवाइज कुंडली के अंदर ये रोमन नंबर नहीं लिखा होता। आपको ध्यान रखना है खुद कि 6ठे भाव में कौन सी राशि है, 7वें भाव में कौन सी राशि है, 8वें भाव में कौन सी राशि है। ये 12 की 12 राशियां, मतलब ये बेसिकली आसमान का नक्शा है जिस समय बच्चा पैदा हुआ था, और ये लगन है तो ये टोटल आसमान का स्काई मैप है उस समय का। तो उस समय कौन कौन से ग्रह किस किस राशि में बैठे हुए थे, कौन कौन सी राशि किस भाव में थी, वो चीज ये बताता है। तो आपने देखा कि 3 नंबर राशि लगन में है, 4 नंबर राशि दूसरे भाव में है, 5 नंबर राशि तीसरे भाव में है, 9 नंबर राशि 7वें भाव में है, 11 नंबर राशि 9वें भाव में है, 12 नंबर राशि 10वें भाव में है। टोटल 12 राशि होती है, उसके बाद 1 और 2 स्टार्ट हो जाएगा। 1 नंबर राशि 11वें भाव में है और 2 नंबर राशि 12वें भाव में है। तो ये आपने ध्यान दिया। तो इसमें अंजुल जी ये बताइए कि 10वें भाव में कौन सी राशि है? सर 10वें भाव में 12 नंबर राशि है। अच्छा, और आपके 9वें भाव में कौन सी है? 9वें भाव में 10 कुंभ राशि है सर। 11 नंबर कुंभ राशि है सर। 11 नहीं लिखा हुआ इसमें, 11 नंबर राशि है। अच्छा, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको सर। हाँ आरती जी आप बताइए कि 7वें नंबर वो 5वें भाव में कौन सी राशि है? सर भाव में लिब्रा, सर लिब्रा 7th नंबर राशि है। 7th नंबर राशि है, तुला राशि है 5वें भाव। तो ये आपको भाव और इनका ये समझ में आ गया, ये जो साइकिल है कैसे है चलना है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको। फर्स्ट भाव, सेकंड भाव, थर्ड भाव, और राशि में भी जो राशि यहाँ लगन में आएगी वो पहले नंबर पर आ जाएगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज चलना है। 12 तक गिनोगे, 12 के बाद फिर 1-2 स्टार्ट हो जाएगा। सर एक एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए पूछिए। सपोज पहले भाव में 1 नंबर राशि आई थी मेष, हाँ तो फिर तो भाव और राशि सारे एक साथ ही चलेंगे, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक चलेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर राशि 1 नंबर हो, पहले भाव में लगन 1 नंबर का हो, तो भाव और राशि दोनों बराबर हो जाती हैं। ठीक है। और ऐसी कुंडली को काल पुरुषी कुंडली बोला जाता है। कहते हैं कि काल पुरुषी कुंडली है, जो मैंने आपको पीछे बताई भी थी। हाँ जी, हाँ जी, कुंडली को बोला जाता है। हाँ, कि जिनके अंदर मेष लगन होता है और वही सब भावों को बताता है। तो ये कभी भी आप कुंडली देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, कि नंबर देख के आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये 3 नंबर भाव है पहले वाला, ऐसा मत आप कंफ्यूज होइएगा, ये राशि है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये 4 नंबर राशि है, ये 4 नंबर राशि आपकी हो गई, फिर 5 नंबर राशि हो गई। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे एक स्लाइड देखते हैं, उससे थोड़ा आपको और आइडिया लगेगा। ये देखिए, इसमें
बता सकते हैं मनीषा जी लगन क्या है इस कुंडली के अंदर? सर तीन नंबर जैमिनी है सर। मिथुन, मिथुन तीन नंबर। अच्छा तीन नंबर लगन है आपका। हाँ जी, क्योंकि पहला भाव है ये और उसमें तीन नंबर दिया हुआ है। तीन नंबर दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। हाँ जी। पहले भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? मार्स। मंगल, बिल्कुल ठीक है। मंगल ग्रह बैठा हुआ है पहले भाव में। दूसरा भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? वीनस। और साथ में सूर्य। सूर्य, वीनस और सूर्य बैठे हैं। अंजुल जी बताइए नवे भाव में कौन बैठा है? नवे भाव में केतु है और मून। और मून बैठे है। मून बैठा है। अच्छा शर्मा जी बताइए कि चौथे भाव में कोई ग्रह है? नहीं, चौथे भाव में तो कोई ग्रह नहीं दिखाई दे रहा मुझको। कोई ग्रह नहीं है। नहीं। दसवें भाव में कौन ग्रह बैठा हुआ है? गुरु एंड राहु। जुपिटर एंड राहु। राहु, अच्छा जुपिटर बैठा हुआ है दस में तो। हाँ दस में जुपिटर बैठा हुआ है। 90 डिग्री एक्सिस करेंगे। ठीक है सर। राहु नहीं है क्या? राहु उधर बैठा हुआ है थर्ड भाव में। थर्ड में है राहु। अच्छा अच्छा, तो आर मतलब क्या होता है सर? आर मीन्स रेट्रोग्रेड, वक्री होता है। वो मैं बताऊंगा आपको भी, ये ग्रह वक्री हो जाते हैं। अभी जब वक्री पढ़ाऊंगा तो उसका मतलब होता है आर। आर मीन्स रेट्रोग्रेड। ठीक सर, ठीक समझ। वक्री क्यों होते हैं? वो ग्रह वापस चलना शुरू कर देते हैं राशियों में, अपनी राशि में। जैसे ये ग्रह 12 नंबर राशि में है तो ये उल्टा चलेगा और 11 नंबर राशि में आ जाएगा। यहाँ आर लिखा होगा तो, अगर आर नहीं लिखा होगा तो ये राशि 12 में चलेगा और एक नंबर राशि में जाएगा ऊपर। लेकिन ये अभी आर से कंफ्यूज मत कीजिए, मैं आपको वक्री ग्रह के बारे में पढ़ाऊंगा तब आप सोचिएगा। अभी आप सिर्फ जुपिटर सोचिए कि इस राशि, इस वाले भाव में जुपिटर बैठा हुआ है दसवें भाव में। वक्री रेट्रोग्रेड बोल रहे हैं वक्री सर? हाँ, एक डाउट है सर। हाँ बोलिए बोलिए सर। जी के जो है वो क्या है सर, जो 12th हाउस में है? हाँ, सेकेंड नंबर पे। हाँ जी के, जीके से आप कंफ्यूज मत कीजिए। ये ऐसे गुलिक बोलते हैं, ये सॉफ्टवेयर में आया हुआ है। अभी गुलिक में आपको पढ़ाऊंगा, उपग्रह होते हैं। गुलिक आएगा अभी। गुलिक और मांदी ये उपग्रह होते हैं, इसे कंफ्यूज मत कीजिए। वैसे ये कुंडली के अंदर नॉर्मली डिफाइन नहीं होते। आप कभी भी कोई कुंडली देखोगे उसके अंदर ये जीके वगैरह नहीं आता है। ये थोड़ा आगे की बात है, बहुत ज्यादा एडवांस की बात है, तो इससे कंफ्यूज मत होइए। क्योंकि मैंने ये सॉफ्टवेयर से कुंडली ली है तो इसलिए इसमें जीके आ रहा है लिखा हुआ। अदरवाइज जो नॉर्मल कुंडली आप लोगों के पास घरों में आप देखेंगे उसमें जीके कहीं लिखा हुआ नहीं होता, उसमें सिर्फ ग्रह लिखे हुए होते हैं और आर लिखा होता है। अंग्रेजी में आर लिखा होता है, हिंदी में वक्री वह लिखा होता है अगर वक्री ग्रह हो तो। ये एक ध्यान देने वाला यहाँ पर बात है। आरती जी बताइए कि इसमें शनि कौन से भाव में बैठा हुआ है? सर ग्यारहवें भाव में। ग्यारहवें भाव में, वेरी गुड। तो शनि ग्यारहवें भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ आपको ये भाव और राशि का समझ में आ गया? जी सर। यस सर। काफ़ है लेकिन। अच्छा शर्मा जी बताइए सातवें भाव में कौन कौन से ग्रह हैं? सातवें में वीनस, सन। नहीं, सातवें भाव में। अच्छा सातवें, एक सेकंड। हाँ ठीक है। वीनस, वीनस राहु और सन लग रहे हैं मुझको सातवें भाव में। हाँ मनीषा जी आपका क्या ख्याल है? हाँ जी ठीक है। ठीक है ठीक है, तो सातवें भाव में है वीनस राहु और सूर्य। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बताया आपने। छठे भाव में कौन है अंजुल जी बताइए, कौन से ग्रह हैं? सर मंगल और दूसरा क्या है, मीन, मरकरी। मरकरी बुध ग्रह। अच्छा मंगल और बुध है। मंगल और बुध है सर। हाँ मंगल और बुध, ठीक है ना। ये बिल्कुल ठीक बताया आपने। ग्यारहवें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? मून। ग्यारह में मून। मून ग्यारह में मून बैठा हुआ है। तो अच्छा एक चीज ध्यान रखिए कि जिस जो पहले भाव में राशि होती है, जो पहले भाव में राशि होती है वो इंसान का लगन होती है, लगन कहलाती है। कोई आपसे पूछे आपका लगन क्या है तो पहले भाव में जो राशि लिखी हुई है यानी 11 नंबर लिखा हुआ है ये आपकी लगन कहलाती है। और जिस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ होता है वो आपकी जन्म राशि कहलाती है।
ये दो चीज याद रखिए कि पहले भाव में जो राशि लिखी होगी वो आपका लगन कहलाएगा, और जहां पे चंद्रमा बैठा होगा वो आपकी जन्म राशि कहलाती है। कोई आपसे पूछे आपका लगन क्या है तो आपको बताना है मेरा लगन 12 है, मीन लगन है। आपकी राशि क्या है, राशि मेरी धनु है। राशि से जो राशियां होती हैं ये बेसिकली इंसान की मानसिक प्रवृत्ति की तरफ ज्यादा थोड़ा दिखाती है, और जो लगन होता है वो इंसान की पर्सनैलिटी और नेचर और शारीरिक चीजों को ज्यादा दिखाता है। तो जब दोनों की क्वालिटी देखते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, जब लगन का भी देखते हैं और चंद्रमा का भी देखते हैं, चंद्र राशि का भी देखते हैं, तो एक इंसान की पूरी पर्सनैलिटी आपके सामने आ जाती है। ये मैंने पीछे आपको नहीं बताया था, आगे बता रहा हूं, क्योंकि पीछे कंफ्यूजन हो जाता आपको कि जब भी किसी के बारे में पर्सनैलिटी देखें तो उसका लगन देखें, उसकी राशि देखें, दोनों में से कॉमन पॉइंट लेके बताएं, तो बिल्कुल आपका ऑथेंटिक जवाब आएगा, उचित जवाब आएगा आपका, क्योंकि ये मानसिक प्रवृत्ति शो करती है, ये शारीरिक प्रवृत्ति शो करता है लगन आपका। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। आरती जी, जुपिटर कौन से भाव में है? दूसरे भाव में। जुपिटर दूसरे भाव में है, ठीक है। आपको ये यहां तक भाव समझ आ गया, राशि समझ आ गई, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर किसी को ये भाव और राशि में कोई दिक्कत हो तो जरा पूछ लीजिए। आगे चलते हैं। हाँ, बोलिए। ये 11वें भाव में मून है। हाँ, तो ये राशि 9 नंबर हुई। राशि आपकी 9 नंबर हुई, धनु राशि हुई। ठीक। लगन आपका 11 नंबर हुआ, कुंभ लगन। ठीक है। सर एक चीज है कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपने पीछे लगन की पढ़ाई थी, सेम करेक्टरिस्टिक एप्लीकेबल होती हैं फॉर राशि आल्सो। फॉर राशि आल्सो, लगन और राशि दोनों को मिला के ही वो बताई जाती हैं। अब जैसे मान लिया किसी का लगन 11 नंबर है, सपोज कीजिए, या आप ही का लगन है। अजय जी, आपका लगन क्या है? मेरा लगन मीन है, 12 नंबर राशि है। तो मैंने आपको 12 नंबर की कुछ करेक्टरिस्टिक बताई थी मीन लगन की जी। ठीक है। अच्छा, आपकी राशि क्या है, कुछ मालूम है आपको? चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है आपका? जी 11 नंबर है, कुंभ है। कुंभ है, हाँ जी। तो कुंभ राशि के भी जो हमने पॉइंट्स बताए हैं वो भी नोट कर लीजिए। दोनों को मिक्स करके देखिए कौन से आपके फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, वही आपकी ऑथेंटिक क्वालिटी होगी। अच्छा, ओके। कॉमन पॉइंट्स फॉर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हाँ हाँ, बिल्कुल वो आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। चंद्रमा, ये चंद्रमा और जो लगन है वो दोनों आपके बिल्कुल एग्जैक्ट बता देंगे। ठीक। तो ये आपका ध्यान रखने वाला है इसके अंदर। तो ये हमारे भाव हो गए, हमारी राशियां हो गई, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई चीज समझ में आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बताएंगे कि भाव कितने प्रकार के होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, भावों को वर्गीकरण किया गया है, भाव बांटे गए हैं 6 हिस्सों में, केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, पनफर भाव, अपोकलिम भाव, त्रिक भाव, उपचय भाव। ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि भावों को 6 हिस्सों में बांटा गया है। केंद्र भाव, कौन से केंद्र भाव होते हैं वो मैं बताता हूं आपको, त्रिकोण भाव कौन से होते हैं वो बताता हूं। नॉर्मली कुंडली में जब भी आप यूज करेंगे और बेसिक प्रेडिक्शन के वजह समझ में भी टाइम में भी, ज्यादातर तो केंद्र, त्रिकोण या उपचय तीन भावों का ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा अपोकलिम और या त्रिक भाव का भी यूज होता है। तो आप ये बल्कि याद रखिए, थोड़ा सा आपको ये रटना पड़ेगा कि कौन से भाव केंद्र भाव हैं, कौन से भाव त्रिकोण भाव हैं, कौन से भाव पनफर भाव हैं। ये आप जैसे आपने राशियों को रटा है, थोड़ा सा राशियों को याद किया है, ऐसी इनको भी याद कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूं कि कौन से भाव केंद्र भाव होते हैं। केंद्र भाव होते हैं पहला भाव जहां पर ये कलर किया हुआ है, चौथा भाव, सातवां भाव और दसवां भाव, इनको केंद्र भाव बोलते हैं। फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ एंड टेंथ, ये आपका केंद्र भाव होता है। इसके बाद आपके भाव आते हैं त्रिकोण। त्रिकोण में आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि पहला भाव त्रिकोण भाव में भी लिया जाता है। आल्दो त्रिकोण भाव पांचवा और नवा होता है, ये पांचवा और नवा, ये भाव पांचवा है, ये नवा है, ये पांचवा नवा त्रिकोण होता है, लेकिन पहले भाव को भी त्रिकोण में काउंट कहते हैं। तो त्रिकोण पहला भाव जो है वो त्रिकोण में भी काउंट होता है, केंद्र में भी काउंट होता है। तो जब भी आप केंद्र की बात करेंगे तो पहला, चौथा, सातवां, दसवां, त्रिकोण की बात करेंगे तो पहला, पांचवा, नवा, ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। सर इसमें जी जैसे कि अगर मैं नीचे से देखूं तो सातवां, तीसरा और ग्यारहवां भी तो त्रिकोण होता है, मतलब गिना जाता है कि नहीं गिना जाता है वो? सर
नहीं नहीं मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि एक पांच और नौ, हाँ ये अपने त्रिकोण है, लेकिन अगर मैं नीचे से ऊपर देखूं तो सातवां, इस भाव को लगन अगर आप बनाते हैं तो हाँ ये सातवां है, सातवां हो जाएगा और तीसरा और ग्यारहवां हो जाएगा त्रिकोण। यस, वो सातवें भाव के लिए त्रिकोण वो बन जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं लगन के लिए त्रिकोण की, लगन का त्रिकोण यानी पहले भाव का त्रिकोण जो होता है वो एक पांच नौ होता है, ठीक से ठीक है ना। दूसरे भाव का त्रिकोण हो जाएगा दो छह दस, तीसरे भाव का त्रिकोण हो जाएगा तीन सात ग्यारह, चौथे भाव का त्रिकोण हो जाएगा चार आठ बारह, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि केंद्र एक चार सात दस केंद्र भाव होते हैं, त्रिकोण भाव होते हैं एक पांच और नौ। अगर पूछे कोई भाई ये जो भी ये केंद्र भाव है या त्रिकोण भाव है ये लगन के लिए है, हम लगन से बात कर रहे हैं ये सब चीजें, ये आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि सेकंड भाव का केंद्र भाव या सेकंड भाव का त्रिकोण भाव क्या होगा या फोर्थ भाव का केंद्र भाव क्या होगा या फोर्थ भाव का त्रिकोण भाव क्या होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं लगन का केंद्र क्या है, लगन का त्रिकोण क्या है। तो लगन का केंद्र है एक चार सात दस। अगर दूसरे भाव का केंद्र देखना हो तो दूसरे को एक मानो तो दो पांच उससे से आ जाएगा आठ ग्यारह, इस तरह से वो आ जाएगा आपका, वो आपको मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि ये त्रिकोण भाव होते हैं। इसके बाद आते हैं पनफर भाव। पनफर भाव आपके कहलाते हैं दूसरा भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव। ये भाव पनफर भाव को आपको वैसे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि नॉर्मली जो पनफर भाव होते हैं, कई बार शास्त्रों में श्लोक के अंदर लिखा होता है कि अगर शनि पनफर भाव में हो या शनि किसी भी पनफर, शुक्र किसी पनफर भाव में हो, तो आप पनफर से कंफ्यूज ना करें कि पनफर भाव कौन सा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दूसरा भाव, पांचवा भाव, आठवां भाव और ग्यारहवां भाव ये पनफर भाव कहलाते हैं। तो इनमें से किसी में शनि या किसी में शुक्र हो सकता है, तो ये पनफर भाव कहलाते हैं सारे, ये आपको याद रखने हैं। तीसरा आता है अपोकलिम भाव। अपोकलिम भाव हमारे होते हैं तीसरा, छठा, नवा और द्वादश, बारवा। ये चार भाव हमारे अपोकलिम भाव होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। चार भाव हमारे अपोकलिम भाव होते हैं। ये जितने भी चीज मैंने बताई है आपको, अपोकलिम बताया है या लगन केंद्र बताया है या त्रिकोण बताया है, ये मैंने लगन से बताया आपको, ये मानते हुए रेफरेंस कि ये इस लगन से है सारे, जो पहला नंबर भाव है इससे ये सारी चीजें हैं, ये रेफरेंस मानते हुए बताया। अगर किसी और भाव का अपोकलिम भाव बोलेंगे आप बोलेंगे भाई चौथे का अपोकलिम भाव बताओ क्या है या पांचवे का अपोकलिम भाव बताओ क्या है, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो वो मत अभी उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अभी जितने भी ये भाव हैं ये सब लगन से है, लगन से केंद्र, लगन से त्रिकोण, लगन से पनफर, लगन से अपोकलिम। फिर सर एक क्वेश्चन, हाँ बोलिए बोलिए सर। ये अपोकलिम भाव ये वगैरह जो है ये भाव सर संस्कृत में है या हिंदी में सर? क्या रूप में है सर? त्रिक भाव, अपकलिम भाव जो आपने बताया ना सर जी, वो संस्कृत में है या हिंदी में है सर? ये सब हिंदी में है सारे, संस्कृत और हिंदी दोनों में इनको यही बोला जाता है। इनका मतलब ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। अब जैसे त्रिक है, त्रिक संस्कृत का वर्ड भी है और त्रिक का मतलब होता है थोड़ा दुष्ट भाव, अशुभ भाव हो गया, दुष्ट भाव बोल देते हैं उसको। लेकिन पनफर और ये अपोकलिम का जो भी है कोई हिंदी वर्ड इनका नहीं मिलता है, संस्कृत में और हिंदी में जब भी लिखा हुआ व्याख्या तो पनफर और अपोकलिम ही लिखा रहेगा उसके अंदर। तो इसलिए उसको याद कर लीजिए आप कि पनफर भाव क्या है और अपोकलिम भाव आपके क्या है और त्रिक भाव कौन सा है। त्रिक भाव मीन्स आपका छह आठ बारह, आठ बारह, छह आठ बारह, ये आपके त्रिक भाव होते हैं जो अच्छे भाव नहीं कहलाते, त्रिक भाव, इसका नाम ही त्रिक भाव है। फिर होते हैं उपचय भाव। उपचय भाव होता है बढ़ोतरी का भाव। ये भाव होते हैं तीन, छह, दस और ग्यारह, ये चार भाव उपचय भाव कहलाते हैं, ये याद रखिए। देखिए ये आपको भावों के वर्गीकरण आपको याद रखने पड़ेंगे, एक बार आपको याद हो गए फिर कभी दिक्कत आपको नहीं होगी। और मैं फिर रिपीट करता हूं दोबारा से कि ये जितने भी मैं आपको वर्गीकरण बता रहा हूं, उपचय है या कोई भी है, ये सब लगन से है, किसी और भाव से कंफ्यूज मत कीजिएगा इनको। उपचय भाव अगर आप कहोगे सातवें भाव का उपचय भाव बताओ वो कौन सा होगा, तो आपको फिर इसके हिसाब से काउंट करना होगा, क्योंकि लगन से तीसरा होता है तो सातवें से तीसरा पहला भाव होगा, सातवां, आठवां, नवा, ये वाला भाव, नवा भाव पहले उपचय भाव आएगा, तो इस तरह से काउंट करने पड़ेंगे आपको। शर्मा जी समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। अभी लगन मतलब एक नंबर से इनको सबको स्टैंडर्ड बना, क्योंकि कुछ तो स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। हाँ
मतलब बाद में आपको समझाएंगे कि किसी भी भाव से उपचय भाव देख सकते हो आप, तो किसी भी भाव का उपचय भाव कौन सा है, कोई आपसे कोई पूछे चौथा भाव का उपचय भाव कौन सा है, तो चौथा भाव तो ये है जी, ये फोर्थ भाव है आपका, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है जी। तो पहला भाव जो उपचय भाव होता है वो तीसरा होता है, तो यहाँ से तीन लगा लो, एक दो तीन, तो पहला भाव उपचय भाव ये होगा। एक नंबर काउंट कर लेंगे और इसके हिसाब से फिर चलेंगे, इसके आगे चलेंगे। तो ये इसके अंदर उपचय भाव, ये वाले भाव हो गए केंद्र भाव, ये सारे भाव आपके बता दिए मैंने आपको, और इसमें इसके आगे में आपको भावों के उसके बारे में बता देता हूं, तो और भावों से क्या क्या देखते हैं वो थोड़ा आपको आइडिया रहेगा, वो जरूरी है। एक मिनट, आपको स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं ठीक से? हाँ दिख रही है सर। डबल स्लाइड आ रहा है क्या? हाँ डबल आ रहा है। सॉरी जरा एक मिनट का टाइम मुझे दीजिए, मुझे डबल स्लाइड कैसे हो गया मैं देखता हूँ जरा। अब ठीक आ गया? अब ठीक आ गया। हाँ अब ठीक आ गया। तो अब हम बात करेंगे भावों की, जो हमने पहले भाव बताए आपको, 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर, तनु भाव, धन भाव, पराक्रम भाव, वो जो भाव बताए थे, अब हम थोड़ा चलेंगे उनकी और डिटेल पे कि तनु भाव से और क्या चीज देखते हैं, पराक्रम भाव से और क्या चीज देखते हैं, या धन भाव से हम और क्या चीज देखते हैं, तो थोड़ा डिटेल पे हम लोग चलेंगे। रूपेश जी समझ में आ रही है चीज यहाँ तक? समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आज अनुपम जी आए हैं क्या? शायद अनुपम जी ने ज्वाइन नहीं किया आज। अच्छा ठीक है, तो आज हम आपको चार भाव पढ़ाएंगे इस लेक्चर में। पहला भाव जो लगन भाव कहलाता है, दूसरा भाव, तीसरा भाव और चौथा भाव, ये चार भाव आपको पढ़ाएंगे। इन चार भावों को आप याद रखिए, चार भाव एक क्लास में, चार भाव एक क्लास में और चार भाव एक क्लास में, क्योंकि ये 12 भाव अगर आपको याद हो गए, आपकी फाउंडेशन बन गई, तो आप दुनिया की हर चीज देख लेंगे कुंडली से। कोई कुछ भी पूछे आपसे कि भाई मुझे ये चीज देखनी है, मेरा ये क्वेश्चन है, तो आप उसको देखते ही बता देंगे कि आपका क्वेश्चन इस भाव से है और इस ग्रह से है। वो ग्रह से क्वेश्चन क्या है वो आगे आएगा आपके पास, अभी भाव का चीज आ रहा है कि किस भाव से आपका क्वेश्चन है, वो आपको मालूम चल जाएगा धीरे धीरे, अभी जब भाव की व्याख्या आप देखेंगे। तो हम पहले भाव पे चलते हैं, प्रथम भाव पे। पहला भाव जो आपका होता है, देखिए पहला भाव आपका देह, रूप, ज्ञान, वन, बलाबल, ये सारी चीजें पहले भाव में आती हैं। बुद्धि सबसे पहली चीज आती है, बुद्धि कि पहला भाव से बुद्धि देखते हैं इंसान की बुद्धि कैसी होगी। अगर उसका लगन बड़ा मजबूत है तो वो आदमी बुद्धिमान होगा, लग्नेश मजबूत है उसका, क्योंकि लगन जो है वो ओवरऑल पूरे पर्सनैलिटी को शो करता है लगन। तो अगर किसी का लगन बहुत अच्छा है तो वो आदमी बहुत बुद्धिमान होगा और अपना मतलब उसको डिसीजन लेने में परफेक्ट होगा। तो इसमें एक चीज हो जाती है, तो आप जरा सा मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर किसी का लगन मजबूत हो तो वो मजबूत होना अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है? मैं अच्छी बात है सर। कहीं कहीं जगह पे ये अच्छी बात भी नहीं है सर, थोड़ा ईगो एरोगेंट टाइप का नेचर आ जाता है सर। अच्छा लेडीज के लिए क्या, लेडीज क्या बताती हैं इस बारे में, लेडीज क्या सोचती हैं कि हस्बैंड का लगन स्ट्रांग होना चाहिए या हस्बैंड का लगन थोड़ा वीक होना चाहिए हल्का? वीक होना चाहिए सर, जेंट्स का दिस। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हस्बैंड का लगन अगर बहुत ज्यादा मजबूत होगा तो फिर वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। बराबर होने चाहिए, तो बराबर मजबूत हो तो बहुत बढ़िया है, तो फिर एक दूसरे की बात सुनते हैं और एक दूसरे की बातों को पसंद भी करते हैं, तो ये एक ध्यान रखने वाली चीज है। तो पहली चीज हम पहले भाव से देखते हैं बुद्धि। हाँ मजबूत से क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब बलवान, बलवान नहीं, बलवान
किस तरह से पता लगेगा ये बलवान कैसे मालूम चलेगा ये आपको आगे बताएंगे अभी ये डिपेंड करता है कौन से ग्रह बैठे हैं कौन से ग्रह देख रहे हैं उससे डिपेंड करता है इस भाव को वो आपको अभी आगे बताया जाएगा भाव बलवान कैसे होता है ठीक है अभी ये याद रखिए खाली कि अगर ये भाव बलवान है पहला भाव बलवान है तो इंसान की बुद्धि अच्छी होगी और पहला भाव बलवान नहीं है तो उसकी बुद्धि में कमी होगी दूसरी चीज इससे देखते हैं स्वभाव लगन से ये सब कुछ चल रहा है लगन से पहले भाव से स्वभाव देखते हैं इंसान का तो इंसान का स्वभाव आपके पास ध्यान रखना होता है कि आदमी कैसा है ये चिड़चिड़ा आदमी है या कैसा स्वभाव है इसका ये नॉर्मली आपको लगन से मालूम चल जाता है अगर आप लगन देखेंगे किसी का लगन कमजोर मिलेगा पीड़ित मिलेगा तो लगेगा कि आपको वो थोड़ा चिड़चिड़ा आदमी है थोड़ा चीजों को अंडरस्टैंड ठीक से नहीं कर रहा है जल्दी क्रोध हो जाता है बहुत जल्दी क्रोध कर देता है तो ये स्वभाव भी हम लगन से देखते हैं दूसरे पहले वाले भाव से ही स्वभाव देखते हैं तो बुद्धि हुआ स्वभाव हुआ उसके बाद हम देखते हैं देह यानी शरीर की पूरी बनावट जो है ये भी लगन से देखी जाती है तो इसको भी हम लगन से ही देखते हैं उसके बाद जो भी हमारी गुण और अवगुण है जो भी हमारी क्वालिटीज हैं जो भी हमारी डिसक्वालिटीज हैं जो भी हमारी बुराइयां हैं अच्छाइयां हैं वो सारी चीज हमारे लगन से देखी जाती है लगन बहुत मजबूत होगा तो अच्छाइयां ज्यादा होंगी लगन बहुत कमजोर होगा तो बुराइयां ज्यादा होंगी तो ये एक चीज इसमें ध्यान में रखने वाली आपको है ये सब चीजें हम जो बता रहे हैं आपको ये लगन से देखते हैं पहले भाव से फिर लगन से देखते हैं शारीरिक गठन कि इंसान का शारीरिक गठन कैसा होगा अगर लगन मजबूत है लगन बलवान है लगन मीन्स कि पहला भाव बलवान है पहला भाव मजबूत है तो इंसान शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो ये शारीरिक गठन को भी शो करता है पहला भाव आपका रूप भी शो करता है कि इंसान का रूप कैसा होगा देखिए रूप में और चेहरे में दो डिफरेंस हो जाते हैं रूप और चेहरा रूप का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको देखिए रूप का मतलब यह है कि किसी एक को आपने देखा और आपने उसको पूरी तरीके से देखा और आपने कहा कि हाँ यार ये बंदा जो है बहुत स्मार्ट है या ये जो लेडी है बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि आपने उनको हर तरीके से देख लिया अब किसी का मान लिया आप चेहरा देखते हो खाली तो आपको देखने में तो लगता है कि हाँ चेहरा देखा किसी का यार बहुत सुंदर है लेकिन जब आप सामने देखते हो उसको तो आपको मालूम चलता है कि या तो हाइट बहुत शॉर्ट है या हाइट बहुत लंबी है या इतना सुंदर रूप दिखाई नहीं पड़ रहा है तो रूप जो है वो अलग चीज है रूप देखते हैं लगन से चेहरा देखते हैं दूसरे भाव से तो ये ध्यान रखिएगा कि रूप लगन से देखा जाता है और इसलिए यहाँ पे पुराने जमाने की हीरोइन साधना की फोटो लगी हुई है इसलिए मैंने छाट के फोटो यहाँ पे लगाई है अच्छा हाँ कोई कुछ कहना चाहता है शर्मा जी क्लियर है बिल्कुल ठीक है सर रूप मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी एक तरह से हो गया हाँ ओवरऑल व्यक्ति केवल फेस हो गया वो खाली फेस हो गया सर ये जो पहला भाव होता है हाँ ये जातक का थिंकिंग पैटर्न भी तो बताते हैं ना सर बिल्कुल थिंकिंग पैटर्न बताता है क्या सोचता होगा कैसे मतलब भाव होंगे इसके लोगों के प्रति बिल्कुल बिल्कुल जातक का थिंकिंग भाव बताता है जैसे कि हमने बताया जातक की क्वालिटीज क्या है डिसक्वालिटीज क्या है उसका थिंकिंग पैटर्न क्या है वो सारा पहला भाव ही शो करता है उससे जो मिलते जुलते शब्द हैं आप थोड़ा उसमें उसको लीजिए आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया शंकर जी तो ये बड़ा अच्छा रहता है कि थिंकिंग पैटर्न को भी यही शो करता है कि किस तरह का आप सोचते हैं कैसी आपकी सोच है वो भी पहले भाव से आप देखते हैं अगर लगन आपका मजबूत है तो आपकी सोच भी अच्छी होगी लगन आपका कमजोर है तो आपकी सोच भी कमजोर होगी कमजोर कैसे होगा लगन कैसे मजबूत होगा वो मैं आपको अभी सब चीजें आगे बताऊंगा कि किस तरीके से हम देखते हैं कि कमजोर है या मजबूत है अभी इतना ध्यान रखिए कि लगन वाले भाव से हम ये भी देखते हैं आदमी का यश भी हम इसी से देखते हैं उसका नेम फेम कैसा रहेगा उसकी हेल्थ कैसी रहेगी ये भी पहले भाव से देखा जाता है अगर लगन बहुत मजबूत है तो आदमी का यश होगा उसका नाम होगा उसको लोग जानेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जैसे कहा करते हैं शास्त्रों में कि जिसको अपने नाम से जाना जाए वो उच्च श्रेणी का जिसको पिता के नाम से जाना जाए वो मध्यम श्रेणी का पिता के नाम से या भाई के नाम से जाना जाए वो मध्यम श्रेणी का कहलाता है तो इसमें अगर लगन मजबूत है आपका तो इंसान अपने नाम से जाना जाएगा जैसे सलमान खान है सलमान खान का लगन जरूर मजबूत होगा तभी इन सलमान खान की रेपुटेशन इतनी है उसको यश इतना मिला हुआ है और अरबाज खान है अरबाज खान अपने भाई के नाम से जाना जाता है जानते हैं उसे अरबाज खान बाद में जानते हैं लेकिन पहले जानते हैं कि सलमान खान का भाई है
तो वो डिपेंड करता है लग्न की स्ट्रेंथ कितनी है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। ये चीज यहां ध्यान देने वाली है और हेल्थ को भी ये शो करता है। फिर हमारा दूसरा भाव आता है, दूसरा भाव हमारा होता है धन धान्यम, यानी धन और धन के बारे में, कुटुंबाश्रम कुटुंब के बारे में, मृत्यु जाल मित्रकम, धातु रत्नादिगम, धातु रत्नादिगम मतलब जितने भी हीरे जवाहरात हैं, धातु रत्न हैं, वो सारे चीज में आते हैं, सर्वम धन स्थान निरीक्षित। अब ये क्या चीज है दूसरा भाव? दूसरा भाव में सबसे पहली चीज आती है परिवार, क्योंकि दूसरा भाव देखता है रिसोर्स। दूसरे भाव में देखे जाते हैं रिसोर्स क्या है आपके पास, आपके पास कितना धन है। पहले जमाने में क्या होता था, जब शास्त्र ये लिखे गए थे तो उस जमाने में धन का मतलब खाली चलता हुआ पैसा ही नहीं होता था कि ये धनवान है, मतलब आदमी को देखते थे कि ये कितना रिसोर्सफुल है। यानी कहते थे कि किसी घर में अगर 8 लड़के हैं तो कहते भाई इस घर में तो 8 लाठियां हैं, किसी घर में 6 लड़के हैं तो बोलते थे 6 लाठियां हैं, उसको रिसोर्सफुल बोलते थे, उनसे कोई पंगा भी नहीं लेता था। तो ये चीजें होती थी सारी। तो ये रिसोर्सफुल भी बताता है दूसरा भाव, धन तो बताता ही है कि आपकी धन कितनी, जमा धन कितना है आपका, आपके पास हीरे जवाहरात कितने हैं, लेकिन साथ साथ में आपका रिसोर्सफुल होना भी बताता है दूसरा भाव। रिसोर्सफुल होना और धनवान होने में थोड़ा डिफरेंस है। कई बार बहुत लोग बहुत धनवान होते हैं लेकिन रिसोर्सफुल नहीं होते, तो वो अपना काम निकाल नहीं पाते, और रिसोर्सफुल लोग जो होते हैं वो अपना काम निकाल जाते हैं। तो ये एक इसके अंदर ध्यान रखना है कि रिसोर्सफुल होना, धनवान होना, ये दूसरे भाव से देखा जाता है। फिर इसके भाव देखते हैं संपत्ति, ये जैसे हमने बताया कि इंसान में संपत्ति कितनी है, पैसा कितना है, वो इस भाव से देखा जाता है। संपत्ति देखिए इसके बाद, उसके बाद देखिए इंसान की वाणी कैसी है। वाणी का बड़ा अच्छा रोल करता है, वाणी कठोर है, वाणी उसकी मधुर है, उस बात पर डिपेंड करता है। अब दूसरा भाव मान लिया किसी का बहुत कमजोर है, या दूसरे भाव में ऐसे ग्रह बैठे हैं जो बड़े पाप ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, तो वहां वाणी आदमी की कठोर हो जाएगी। तुम देखते ही बोल सकते हो कि यार या तो वाणी जो आदमी की है वो बड़ी कठोर वाणी होगी, इसकी वाणी इतनी सॉफ्ट नहीं होगी, क्योंकि दूसरा भाव पीड़ित है और दूसरे भाव में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा आगे चलूं तो मैं आपको एक चीज नोट करना चाहता हूं। आप लोग सब अपने पास अगर कॉपी पेंसिल हो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर बना नहीं है कि शुभ ग्रह क्या है और अशुभ ग्रह क्या है। शुभ ग्रह जो है वो हमारे हैं बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध, और हमारे जो अशुभ ग्रह हैं या क्रूर ग्रह हैं वो हमारे हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु केतु। और कोई ग्रह बचा है? नहीं सर, हो गए सारे। सारे ग्रह हो गए, 9 ग्रह हो गए पूरे। हो गए। हाँ, तो ये ध्यान आपको रखना है कि शुभ ग्रह कौन से होते हैं और अशुभ ग्रह कौन से होते हैं। ये जो मैंने शुभता और अशुभता आपको बताई है, ये मैंने बताया है नैसर्गिक शुभ अशुभ, यानी कि जो परमानेंटली शुभ अशुभ होते हैं, जिनको शुभ माना जाता है। तो एक भाव तो शुभ, एक ग्रह शुभ होते हैं कुंडली में कहां बैठे हैं उसके हिसाब से, एक ग्रह शुभ होते हैं कि वो अपने नेचर के हिसाब से शुभ होते हैं। ये जो ग्रह मैंने आपको शुभ या अशुभ बताए हैं, ये नैसर्गिक स्वभाव है इनका, ये नेचर से ही शुभ अशुभ होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि शुभ ग्रह कौन से हैं, अशुभ ग्रह कौन से हैं। तो दूसरा भाव में अगर बलवान ना हो, कमजोर हो, तो इंसान की वाणी में धन की कमी उसके पास हो सकती है, धन कम हो सकता है उसके पास, वाणी में प्रॉब्लम हो सकती है, पारिवारिक समस्या उसको हो सकती है, जो कुटुंब भी इसे देखते हैं उसका, वो समस्या उसको हो सकती है। तो ये चीजें आपके दूसरे भाव से देखी जाती है। इसके बाद दूसरे भाव से देखा जाता है दाहिना नेत्र, राइट आई दूसरे भाव से देखते हैं। दूसरा भाव शो करता है कि दूसरा भाव पीड़ित होने पे या कमजोर होने पे राइट आई में कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि आप ऐसा मत सोचिए कि दूसरा भाव किसी का पीड़ित है तो आपने एकदम बोल दिया कि इसकी राइट आई गड़बड़ हुई, वो नहीं आपको ध्यान में देना है, क्योंकि वो डिपेंड करता है ग्रहों के सिग्निफिकेंस पे, जो ग्रह वहां बैठे हैं उनके सिग्निफिकेंस पे। वो आपको आगे मालूम चलेंगे कि ग्रहों के सिग्निफिकेंस क्या क्या है, कौन सा ग्रह वहां बैठा है, कौन सा ग्रह पीड़ित कर रहा है, तो वो किस तरह की चीजें देगा। वो वाणी कठोर करेगा या दाहिने नेत्र में प्रॉब्लम देगा या पारिवारिक समस्या देगा या संपत्ति में प्रॉब्लम देगा या वो क्या प्रॉब्लम देगा, वो आपको ग्रह बताएगा।
जो ग्रह इस भाव को पीड़ित कर रहा है, जो ग्रह इस भाव को कमजोर बना रहा है। फिर इससे देखते हैं दूसरे भाव से चेहरा। चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि रूप और चेहरा, रूप देखते हैं लगन से जो कि पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाती है, और चेहरा देखते हैं सेकंड भाव से, केवल फेस, वो चेहरा हम सेकंड भाव से देखते हैं। दूसरे भाव से हम लोग देखते हैं बैंक में जमा राशि, हमारे पास बैंक में कितना धन है, जमा राशि जो हमारी है वो भी हम दूसरे भाव से देखते हैं। किसी का दूसरा भाव बहुत मजबूत हो तो हम कहते हैं इसके पास बैंक में पैसा बहुत होगा। एक मिनट जरा, किसी का दूसरा भाव कमजोर हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसके पास धन की कमी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, ग्रहों के ऊपर भी डिपेंड करता है, पर मोटा मोटा ये आइडिया हम लगा सकते हैं कि दूसरे भाव में कैसे ग्रह बैठे हैं, शुभ बैठे हैं, अशुभ बैठे हैं, कैसे ग्रहों की दृष्टि है। दृष्टि अभी आगे पढ़ाएंगे आपको, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो बैंक में जमा राशि भी दूसरे भाव से ही देखी जाती है। तीसरी चीज इसमें और चीज देखी जाती है, गायन क्षमता, कि आपकी गाने की क्षमता कैसी है, आप कैसा गाते हैं, वो भी दूसरे भाव से देखा जाता है, क्योंकि दूसरे भाव से वाणी भी देखते हैं, वोकल कोर्स वगैरह भी देखते हैं। तो इसलिए ये गायन क्षमता भी आपकी दूसरे भाव से ही देखी जाती है कि आप कैसा गाना गाएंगे, आप गायकार अच्छे बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो जितने गायकार होते हैं उनका आप दूसरा भाव देखिए, वो आपको जरूर अच्छा मिलेगा दूसरा भाव। उसके बाद आता है भोजन, भोजन की पसंद। भोजन भी हम दूसरे भाव से देखते हैं, भाव से दूसरा भाव हमारा बताता है जिह्वा को, जिह्वा मीन्स जीभ, जो हमारी जबान होती है, यानी वो स्वाद बताती है हमें। तो भोजन की पसंद जो है वो भी हम दूसरे भाव से देखते हैं। तो दूसरे भाव से हम क्या क्या चीज देखते हैं वो आपने देखा, कुटुंब देखते हैं, परिवार, संपत्ति देखते हैं। अच्छा, कुटुंब के अंदर भी डिफरेंस है, कुटुंब में जरा ध्यान लगाइए कि मैं आपको बताता हूं कि कुटुंब में स्त्रियों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मनुष्य के लिए तो बहुत आसान है कि उनके पारिवारिक जो भी हैं सगे चाचा ताऊ के लड़के या वो परिवार में उनके आ गए, कुटुंब में आ गए, लेकिन स्त्रियों के लिए प्रॉब्लम होती है कि वो ससुराल पक्ष देखें या अपना पितृ पक्ष देखें, क्योंकि ये डिपेंड करता है। अब जैसे कि एक कुंडली मेरे पास किसी की आई थी, तो वो एक लेडी थी, उसकी नई नई शादी हुई थी, तो उसने बताया था कि सर मेरा जब मैं अपने मायके में थी तो मेरी हर बात से जो बात मैं बोलती थी वही सुनी जाती थी, अगर मैं कहती थी कि मुझे इस तरह के पर्दे टंगवाने हैं घर के अंदर तो उस तरह के पर्दे ही घर में टंगते थे, इस तरह का खाना खाना है तो उस तरह का खाना ही घर में बनता था, और जब से शादी हुई है तब से मेरी बात तो सुनी जाती नहीं, ऊपर जेठानी है, देवरानी है और हैं, तो वो उनकी बात सुनी जा रही है, हमारी बात तो सुनी जाती नहीं है, तो बड़ा परेशान है। तो अब उसमें देखिए कि उसका भाव, दूसरा भाव मजबूत भी होना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में उसकी बात बिल्कुल सुनी जा रही थी, बहुत अच्छा हो रहा था, उसका जो चाहती थी वो होता था, परिवार में उसका बड़ा अच्छा रोल था, एक्टिव रोल था, मॉनिटर का रोल था। अब दूसरा भाव उसका कमजोर भी होना चाहिए, क्योंकि अब ससुराल चली गई तो दूसरा भाव से ये प्रॉब्लम हो गई। तो मैं वो आपको बताऊंगा आगे कि ससुराल पक्ष किससे देखेंगे और पितृपक्ष किससे देखेंगे। तो दूसरा भाव अभी ये समझिए कि परिवार के लोग आपके वो दूसरे भाव में आते हैं। संपत्ति आपकी आ गई, वाणी आपकी आ गई, दाहिना नेत्र आ गया, चेहरा आ गया, बैंक में जमा राशि, गायन क्षमता, भोजन की पसंद, ये दूसरा भाव आपका सारा हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। दूसरे भाव में और किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं, बहुत से देखिए कारक बहुत है, मैं आपको किताब बता दूंगा, आपको उत्तर कालाव्रत के नाम से किताब आती है, उसके अंदर कम से कम हर भाव के अंदर 70 चीजें दी गई हैं, 65-70 चीजें बताई गई हैं कि इस भाव से क्या क्या चीजें देखते हैं। हमने तो आपको केवल मोटी मोटी चीज बताई है, वो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सेकंड भाव से ये भी देखते हैं, सेकंड भाव से ये भी देखते हैं, वो आपको आगे मालूम चलेगा जब आपको मैं डिफरेंट भावों से भावों के रिलेशन बताऊंगा कि दूसरे भाव का दसवें भाव से क्या रिलेशन है, दूसरे भाव का तीसरे भाव से क्या रिलेशन है। जब हम आपको रिलेशन पढ़ाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि दूसरे भाव से खाली कुटुंब संपत्ति वाणी ही नहीं, और बहुत कुछ चीज देखते हैं, मतलब दुनिया का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इन 12 भावों में कवर ना होता हो, किसी भी हालत में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ये 12 भाव ना बताते हो, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ये जो 9 ग्रह हैं ये ना बताते हो। सब क्वेश्चंस को या तो 9 ग्रह बताएंगे या 12 भाव बताएंगे, उनमें से कोई चीज बताएगी आपके सारे क्वेश्चंस। सर इनको याद करना पड़ेगा, ये आपको हाँ याद करना पड़ेगा कि भाई पारी सर ये बुक का नाम आप भेज देना ना सर, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। मैं डाल दूंगा, उत्तर कालाम्रत है, मैं उसके नाम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, जगन्नाथ भसीन की। हाँ, निकल विकास जी के पास शायद है वो उत्तर कालाम्रत, विकास जी आपके पास है ना शायद?
हाँ गुरु जी, मेरा पास है उत्तर का। हाँ मेरे पास भी है सर। अच्छा है आपके पास सर? मेरा पास जो है पीएस शास्त्री का। अच्छा जीएस शास्त्री का, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उत्तर कालामृत होनी चाहिए पास में। तो मैं आपको नाम डाल दूंगा, उसका लेखक का नाम डाल दूंगा, तो आप उसको पढ़िएगा, लेकिन अभी उसको मत पढ़िएगा। देखिए अगर अभी आप उसे पढ़ना शुरू कर दिए तो आप सब कुछ भूल जाओगे। किताब पढ़ने का टाइम आपका अभी आया नहीं है, किताब पढ़ने का टाइम आपका आएगा, जब आएगा जब आपकी सारी भाव सारी राशियां सब चीजें समझ जाओगे, परीक्षण थोड़ा बहुत करने लगोगे, तब आपका किताब पढ़ने का टाइम आएगा, तब आपसे कहेंगे कि ये किताब पढ़ो, इस किताब से ये चीज क्लियर होती है, और फिर आपको नया नया बताएंगे परीक्षण के अंदर। तो अभी किताब मत पढ़िए आप, किताब में कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आपने 70 क्वालिटी पढ़ ली कि दूसरे भाव से 70 चीज देखते हैं, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 70 चीज में से ऐसी 10 चीज ऐसी कॉमन होंगी जो शायद थर्ड भाव से भी दिख रहे हैं या जो फोर्थ भाव से भी दिख रहे हैं। तो आप उनसे कंफ्यूज मत कीजिए, अभी सिर्फ इतना याद कीजिए सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं वो सारे आपके इन भावों में, इन्हीं चीजों में आपके कवर हो जाएंगे। तो थर्ड भाव पे हम लोग आते हैं। थर्ड भाव हमारा पराक्रम का भाव होता है, जैसे पिछली बार हमने बताया कि थर्ड भाव हम लोग पराक्रम का भाव बोलते हैं। पराक्रम का भाव यानी इंसान में कितना करेज है, कितना पराक्रम है, ये हम लोग थर्ड भाव से देखते हैं। अब जैसे पराक्रम का मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ये देखिए ये स्लाइड मैंने बनाई, यहाँ देखी हुई है कि यहाँ पर एक आदमी यहाँ से यहाँ कूद रहा है। देखिए ये वैसे आपको स्टंट नहीं करना है, ये केवल दिखाने के लिए है, तो ये जो स्टंट नहीं करना किसी भी हालत में, मतलब कहने का ये है कि इसमें कितना पराक्रम है कि ये इस चीज को कूद के उधर जा रहा है। ये कई बार क्या देखा हुआ आपने कि कई बार एक शेर से एक छोटा जानवर भी भिड़ जाता है, और हैं ऐसे जानवर, ऐसे जानवर हैं जो शेर से भिड़ जाते हैं और शेर को भी परेशान कर देते हैं। शेर उन पर विजय तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन शेर उनसे हार मानने को तैयार हो जाता है एक बात। तो ऐसी ऐसे जानवर भी हैं, तो वो पराक्रमी कहलाते हैं कि जो अपने से वीर से पंगा ले सके वो पराक्रमी कहलाता है, अपने से ज्यादा बलशाली से पंगा ले सके तो पराक्रम कहते हैं। अब ये पराक्रम में मैं शायद पूछूंगा किसी से, अजय जी आप एक बात बताइए कि ये जो मार्केटिंग का जॉब है, इस मार्केटिंग के जॉब में इंसान को पराक्रमी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, पराक्रमी तो नहीं चलेगा मार्केटिंग में सर। अच्छा, अगर पराक्रमी नहीं चलेगा तो बाय चांस अगर बहुत सीनियर अफसर से किसी से बात हो रही है तो उसको प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर मान लिया कंपनी का सीईओ डायरेक्टली बात कर रहा है आपसे, आप एक मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव हैं और कंपनी के में गए, कंपनी का सीईओ डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है, तो आपके और उसके लेवल में बहुत डिफरेंस है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक पराक्रमी अगर वो ना हो तो वो घबरा जाए? अच्छा हाँ, पराक्रम गुड सेंस में है तो वो डरेगा नहीं, उनको अच्छे से अपनी बात रख देगा, अपनी बात रख देगा। तो मतलब इतना पराक्रम होना चाहिए कि किसी भी कंपनी के सीईओ के पास या कुछ के पास वो बात करते हुए घबराए नहीं। पराक्रम से मतलब ये नहीं है कि वो झगड़ा करना शुरू करे, पराक्रम से मतलब ये है कि वो घबराए नहीं, ये ना सोचे कि मेरा ओहदा या मेरा डेजिग्नेशन बहुत लो है और मैं इनके सामने कैसे बात कर सकता हूँ, ये चीजें उसको नहीं नहीं सोचनी है। इन द पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंस में लेना है पराक्रम का। सहज स्वभाव इसके बाद आता है। सहज स्वभाव, सहज स्वभाव क्या होता है? देखिए स्वभाव और सहज स्वभाव में डिफरेंस है थोड़ा सा। स्वभाव तो आदमी का होता है कि गुस्सा आता है, उसको प्रेम आता है, या क्या चीज उसको होती है, चिड़चिड़ा होता है या बहुत नरम दिल का होता है, वो तो स्वभाव हो गया। एक होता है सहज स्वभाव, आदमी ऐसे काम जो बहुत सहज रूप से कर सके, जिसको बिना किसी परेशानी के कर सके। जैसे हो सकता है कि आप में से, क्योंकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं बार बार, उनको आनंद मिलता है उसके अंदर पढ़ने, तो ये आपका सहज स्वभाव है क्योंकि आप उसको उसके अंदर आनंद मिल रहा है पढ़ने में। तो जिस काम को करने में आपको आनंद मिले, जिस काम को करने में आपको अच्छी प्राप्ति हो, उसको हम बोलते हैं सहज स्वभाव। जैसे इसमें हॉबीज भी आपकी आ सकती हैं, आप कैरम खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, उसको हम करने से आपको बहुत शांति मिलती है, तो इस सहज स्वभाव बोला जाता है। तो जितने भी सहज स्वभाव से रिलेटेड काम होते हैं जो कंफर्टेबली आप करते हैं, उनके अंदर वो तीसरे भाव से देखे जाते हैं। उनमें फायदा ये होता है कि ऐसे कामों में आप कम मेहनत से ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल सहजता से पढ़ रहे हैं उसको, आपके मन पे कोई स्ट्रेस नहीं है, मन पे आपके कोई जोर नहीं है, तो आप उनके अंदर सफल हो सकते हैं,
उन काम में बहुत ज्यादा हार्डवर्क किए बिना भी उनमें आगे जा सकते हैं। हार्डवर्क करना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि हार्डवर्क नहीं करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, लेकिन अगर काम ऐसा हो जो सहज स्वभाव का हो तो उसमें आदमी इंटरेस्ट लेते लेते आराम से करते करते काम करता है और काम भी पूरा होता है और काम पूरा एंजॉय करता है, टारगेट ही पूरे होते हैं उसके। तीसरी चीज देखते हैं तीसरे भाव से, सेवक। जितने भी आपके सेवक हैं घर में, आपके नौकर चाकर हैं या घर में काम करने वाली आती हैं, काम करने वाले आते हैं, या आपके ऑफिस में जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वो सारे हम थर्ड भाव से देखते हैं, सेवक। तो मनीषा जी ध्यान समझ में आ रहा है? हाँ जी। जितने भी सेवक के रूप से या जो भी आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो सारे हम थर्ड भाव से देखा करते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें आता है, पड़ोस के मित्र। देखिए यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है पड़ोस के मित्र में, और मैं बताता हूं आपको, मित्र होना और पड़ोस के मित्र होना थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। पड़ोस के मित्र मतलब होता है कि आपकी राम राम श्याम श्याम है, आपके पड़ोसी हैं, या आप कई बार क्या होता है कि आपकी 8th क्लास में पढ़ते थे, 10th क्लास में पढ़ते थे, या आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, आपके साथ में क्लास में 25 लड़के हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, तो सब स्टूडेंट्स से आपकी हेलो हाय होती है, तो वो आपके सब मित्र हैं। तो इस तरह जनरल मित्र जो होते हैं वो थर्ड भाव से देखे जाते हैं। लेकिन जो आपके एक्चुअली मित्र होते हैं, जिनसे आपकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन मैच करती है, जिससे आपकी नेचर मैच करती है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी मैच करती है, वो किसी और भाव से देखा जाता है, वो 11th भाव से देखते हैं। तो यहाँ पड़ोस के मित्र देखे जाते हैं। पड़ोस के मित्र मतलब ऐसे मित्र जो आपके पास हेलो हाय है, जिनको आप जानते हैं, वो सब चीजें आप थर्ड भाव से देखा करते हैं। इसके बाद कान, जैसे उससे आंख देखा था, इससे कान देखते हैं। कान भी हम इस भाव से देखते हैं। अगर तीसरा भाव में प्रॉब्लम हो, तीसरा भाव आपका अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, तीसरे भाव पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो कान के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी एक चीज है। तो तीसरे भाव से हम लोग कान देखते हैं। तीसरे ही भाव से हम लोग देखते हैं कंधे। अच्छा, कंधों पे कोई मुहावरा बताइए मनीषा जी, कंधों के ऊपर कुछ होता है? याद नहीं। मुहावरा आरती जी आप बताइए, कंधों के ऊपर मुहावरा। कंधों पे बोझ। हाँ, गाना है सब कंधों के ऊपर। ठीक जा रहे हैं, मतलब कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाना, कंधों पर बोझ उठाना, दूसरे कंधे में रख के बंदूक चलाना। हाँ, तो ये सब चीजें कंधे यहाँ पे शो होते हैं सारे। तो आप ये समझ लीजिए कि कंधा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर, के शोल्डर को हम तीसरे भाव से देख रहे हैं, पराक्रम। बिकॉज आपके कंधे ही हैं जो आपका, ये स्पेशली बोला गया है शास्त्रों में कि आप कि सारा यार अब तो आप सारा बोझ आपके कंधे पे आ गया, सारा बोझ आपके कंधे पे आ गया, नहीं, सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पे आ गई। पराक्रम चाहिए तो उसके लिए कंधे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। कंधे सर, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं कंधे को? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं कंधे पर, वही चीज है इसके अंदर कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शेयर कर रहे हैं आप, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपके कंधों पे, तो इसलिए कंधों को स्पेशली इस जगह पे ध्यान दिया गया है। थर्ड भाव के अंदर बताया गया है कंधे भी थर्ड भाव से देखने चाहिए। आपकी जो शौक है वो भी आप थर्ड भाव से देखते हैं, आपकी हॉबीज हैं वो आप थर्ड भाव से देखिए। अच्छा, थर्ड भाव से, हाँ एक चीज, हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे कंधे देखने का मतलब कंधे फिजिकली कितने स्ट्रांग है, चीज को चेक करते हैं इससे? दोनों चीज करिए, कंधे फिजिकली कितने स्ट्रांग है और आप कितने फिजिकली स्ट्रांग है कि आप कंधों पर अपना बोझ उठा सकते हैं परिवार का। अच्छा, दोनों चीजें कैसी, कान फिजिकली, कंधा स्पेशली बताया गया वहाँ पे, मतलब कान फिजिकली कैसे हैं, सुनने की कितनी उनकी क्षमता है, प्लस आप अच्छा बुरा क्या सुनते हैं, वो दोनों चीज। हाँ, वो भी चीज बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडिया लगाएंगे। तो कंधे हो गया, शौक हो गया, उसके बाद मोल भाव स्किल। मोल भाव स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कैसे हम लोग नेगोशिएट करते हैं। कभी किसी मीटिंग में बैठे होते हैं, आप लोग नॉर्मली जॉब करते होंगे तो जॉब में कई बार वर्कर यूनियन की, ऑफिसर्स यूनियन की, या वर्कर यूनियन और मैनेजमेंट की मीटिंग होती है, तो वहाँ पे नेगोशिएशन चलता है बहुत ज्यादा। वो कहते हैं जी हमें तो इतने रुपए चाहिए, वो कहता है ये नहीं, इतना रुपए नहीं देंगे आपको, सैलरी ये देंगे। तो वो जो नेगोशिएटिंग पावर होती है, मोल भाव स्किल होती है, वो आपकी तीसरे भाव से देखी जाती है। कई लोग सामान की खरीदारी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, उनमें मोल भाव स्किल अच्छी होती है। कई लोग होते हैं कि वो 12 रुपए की चीजें 12 रुपए में लेके चले आएंगे, कई लोग 12 रुपए की चीज को 9 रुपए में लेके आ जाते हैं।
क्योंकि इनमें मोल भाव स्किल बहुत अच्छी होती है। तो ये मोल भाव स्किल अच्छा होना ये थर्ड भाव शो करता है। संचार कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी आपका थर्ड भाव ही शो करता है। ये जितने भी तरह के कम्युनिकेशन हैं, डाक तार वाले हैं या जो भी हैं, वो सारे आपको थर्ड भाव से ही शो करते हैं आपका। उसके बाद आता है खेल, जितने भी खेलकूद हैं वो सारे थर्ड भाव से देखे जाते हैं। खेलकूद, खेलकूद आपके थर्ड भाव से देखे जाते हैं। तो इनका ध्यान आपको, ये भावों को आपको याद रखना है कि पराक्रम, सहज भाव, सेवक, पड़ोस के मित्र, कान, कंधे, शौक, मूल भाव, स्किल, संचार, खेल। इसमें एक छोटा सा छूट गया वो मैं आपको बता देता हूँ। सहोदर, सहोदर मीन्स सह उदर, यानी कि एक ही पेट से जन्म लिए बच्चे, उनको सह उदर बोलते हैं, सहोदर बोलते हैं। यानी छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन भी तीसरे भाव से ही देखे जाते हैं। तो भाई बहन सर, भाई बहन के लिए भी तीसरा भाव देखा जाता है सहोदर। सर एक क्वेरी है मेरा, एक ही माँ से हुआ हो। सर थर्ड हाउस से छोटी यात्राएं भी देखी जाती है। हाँ, थर्ड हाउस से छोटी मोटी यात्राएं भी देखी जाती है। सर एक क्वेरी था मेरा। हाँ बोलिए। जैसे कि आपने कम्युनिकेशन स्किल बोला, तो मतलब हर एक, मतलब हर चाहे बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी वर्क का आदमी हो, उसका कम्युनिकेशन स्किल अगर खराब है तो अपना प्रोफेशन को अफेक्ट कर देगा। मतलब वो तो बिल्कुल ठीक बात है, वो तो है ही है। अब डिपेंड करता है ना, देखिए अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हैं, R&D डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, तो R&D डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन स्किल की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। वहां पे तो आप कितना काम जानते हैं, कितनी टेक्नोलॉजी में घुस जाते हैं, उसका ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। आप मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, आप कोई ऐसी जॉब में हैं जहां पे कि आपको लोगों से बात करना पड़ता है, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, आप वर्कर्स के HR के अंदर ऑफिसर हैं, तो वहां पर आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। अगर वहां कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी नहीं है तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल जो मैं आपको बता रहा हूँ तीसरे भाव से देखने वाली, ये वाला भी कम्युनिकेशन है। और दूसरा संचार, संचार मीन्स आपका डाक तार विभाग जो होता है, या जो भी आपके ये मोबाइल के बने होते हैं, टावर्स होते हैं, उनसे जो लाइंस बिछी होती हैं, ये संचार जो भी है वो भी इससे देखा जाता है थर्ड भाव से। इस तरह की चीजों को भी थर्ड भाव से ही देखते हैं। और छोटी मोटी यात्राओं के बारे में वो किरण जी ने बताया कि छोटी मोटी यात्राएं भी इसी भाव से देखी जाती हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सहोदर एक छूट गया था, वो मैंने आपको बताया कि छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन भी इसी भाव से देखे जाते हैं। कुछ लोगों में मत है कि बड़े भाई बहन को 11वें भाव से देखना चाहिए, छोटे भाई बहन को तीसरे भाव से देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं भी किसी भी शास्त्र में ये वर्णन नहीं है कि बड़े भाई बहन को आपको 11वें भाव से देखना है। बड़े भाई में ये लिखा हुआ है, भाई में वो में लिखा हुआ है सहोदर, सहोदर आपको तृतीय भाव से देखना है। और सहोदर का मतलब होता है चाहे छोटा भाई हो या बड़ा भाई, बड़े भाई का व्यवहार, बड़ा भाई व्यवहार, गुरु वो कैसा व्यवहार होगा उसका, वो आप 11वें भाव से देखेंगे, लेकिन बड़ा भाई आप तीसरे भाव से देखेंगे। बड़े भाई का व्यवहार, क्योंकि बड़प्पन का भाव होता है 11वां भाव। पहले बड़े भाई को बोलते थे कि यार भाई बोलता था बड़ा वाला, अब तो खैर सब मित्र हो जाते हैं बहुत ज्यादा, नहीं तो पहले जमाने में तो ये होता था कि भाई तुम ये मत करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, पढ़ते थे। प्रेमचंद जी ने कहानी भी लिखी है बहुत बढ़िया, बड़े भाई साहब के नाम से कहानी है, बहुत फेमस कहानी उनकी हुई थी, आप लोगों ने पढ़ी हो तो। तो ये भाई की संज्ञा बेसिकली पिता के बराबर माना जाता था, पहले गुरु के बराबर माना जाता था उसको, कि वो गुरु की तरह है, वो आपको मेंटर कर रहा है, आपको चीजों को बता रहा है। तो इसलिए 11वां भाव जो है वो आपका बड़प्पन दिखाता है, यानी बड़े भाइयों का, बड़े भाई के रूप में आपका बिहेवियर या बड़े लोगों का बिहेवियर कैसा है आपके साथ में, वो आपको दिखाता है। लेकिन भाई बहन आपने देखने हैं चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो आपको तीसरे भाव से ही देखने। इसमें कोई प्रॉब्लम अजय जी? सर बस एक छोटा सा है कि जैसे भाई बहन देखने हैं, भाई बहन देखने से मतलब कि आपको बहन और भाई का कितना सुख है, या मतलब आपके कितने बहन, हाँ कितना सुख है, या आपके कितने भाई बहन होंगे, अच्छा, या आपको भाई बहन का प्रेम मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके भाई बहन बीमार तो नहीं होंगे, अच्छा, वो सुखी रहेंगे नहीं रहेंगे, आपको कितना सुख मिलेगा उनसे, या वो सुखी रहेंगे नहीं रहेंगे, वो सारा थर्ड भाव से देखा जाता है। ठीक है सर। तो ये भाव है। आरती जी कोई और चीज पूछनी है आपने अब तक फर्स्ट सेकंड थर्ड भावों में? कोई आप थर्ड भाव में कुछ लग रहा हो आपको, कुछ और चीज आती हो तो बताइए। नहीं सर बस एक वो था छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन का, वो आपने क्लियर कर दिया। हाँ तो वो थर्ड भाई बहन देखना है आपको। हाँ जी सह उदर सहोदर वो थर्ड से ही देखना है आपको। बड़े भाइयों का व्यवहार वो देखना है आपको 11वें भाव से। ठीक है सर। अच्छा
सर नेटवर्किंग, सर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन थर्ड भाव से देखिए सर, बिल्कुल ठीक बताया आपने, वही मैं चीज कहना चाह रहा था। अच्छा चौथा भाव जो आता है, चौथा भाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है इंसान के जीवन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, ये भाव हम लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा विराम देते हैं आज के लेक्चर को, क्योंकि चार भाव आप लोग याद कीजिए, तो ये चार भाव आपके याद हो जाएंगे तो बहुत फायदा होगा। इसमें क्या है, वाहन्यंत, यानी वाहन देखते हैं, मात्र सुख देखते हैं, निधि देखते हैं, क्षेत्रम यानी अपनी एग्रीकल्चर भूमि वगैरह आपकी देखते हैं, ये सारी चीजें आपके चतुर्भाव से देखते हैं। क्या चीज देखते हैं, माता, आपकी माता के बारे में चतुर्भाव बताता है कि आपको माता का प्रेम मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी माता कैसी होगी, आपकी माता की आयु कैसी रहेगी, आपकी माता बीमार तो नहीं रहेंगी, आपकी माता स्वस्थ रहेंगी नहीं रहेंगी, ये सारा आपका चौथा भाव बताता है। चौथा भाव अगर पीड़ित हो तो माता को प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा उसके अंदर ये है कि चंद्रमा भी पीड़ित हो, क्योंकि चंद्रमा भी माता का रूप होता है, माता का कारक होता है, तो पक्की बात हो जाती है। लेकिन फिर भी आप अभी ग्रहों पर मत जाइए, अभी भाव पर जाइए कि चौथा भाव पीड़ित हो तो आदमी की समस्या हो सकती है कि माता को समस्या हो या माता से उसे प्रेम ना मिला हो, वो समस्या उसके साथ होती है, माता से उसकी ना बनती हो वो समस्या हो सकती है। मानसिक शांति, ये एक इंपॉर्टेंट है जो चौथे भाव से देखी जाती है कि इंसान के अंदर मानसिक शांति है या नहीं है, घर का माहौल कैसा है वो देखने वाली बात है। घर में कहीं ऐसा माहौल तो नहीं कि जहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आपको मानसिक शांति मिल रही नहीं मिल रही, ऐसा नहीं, ऐसा तो लगता है घर जाते हैं आप, घर जाने के बाद घर जाने के नाम पे आप घबराना चालू कर देते हैं, तो वो भी दिक्कत वाला काम होता है। आपको मतलब ऐसा माहौल होना चाहिए कि घर में जाएं तो आपको शांति मिले। तो कहने का मतलब यह है कि चौथा भाव आपका मजबूत होगा तो घर पे आपका मन लगेगा, घर के माहौल में आपको शांति मिलेगी, अच्छा रहेगा। वाहन, वाहन देखते हैं इससे। अच्छा ये ध्यान रखिए, यहाँ पे इसके अंदर बड़ा कंफ्यूजन रहता है वाहन के अंदर भी, तो हमारे गुरुजी बताया करते थे कि वाहन भी दो प्रकार के हैं, एक द्विपहिया, एक तीन पहिया वाहन, एक चार पहिया वाहन। तो जितने चतुष्पाद हैं या चार पहिया वाहन हैं वो यहां से देखते हैं चौथे भाव से, चौथे भाव से चार पहिया वाहन ही आपको देखने हैं, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, ये आपको थर्ड भाव से देखने हैं, जो छोटी मोटी यात्राओं के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि थर्ड भाव छोटी मोटी यात्राओं का होता है, तो थर्ड भाव से आपको वो वाले वाहन देखने हैं, और चौथे भाव से सिर्फ आपको जो चार पहियों वाले भाव हैं, चार पहियों वाले वाहन हैं, वो आपको देखने हैं, जो मोटर व्हीकल्स हैं आपके वो देखने हैं, ये आप थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। चौथे भाव से मकान भी देखते हैं कि आपके पास मकान होगा या नहीं होगा, मकान होगा तो कब होगा, मकान पे कोई लिटिगेशन तो नहीं होगा, मकान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कैसा मकान होगा मेरे पास, अच्छा मकान होगा या थोड़ा सिंपल मकान होगा, ये सब कुछ चौथे भाव से देखा जाता है। प्राथमिक शिक्षा, देखिए शिक्षा के अंदर भी दो तीन चीजें आती हैं, मैं आपको बताऊं, पहले एक जगह हम थोड़ा मेंशन करना भूल गए कि तीन तरह की शिक्षा होती है, एक होते हैं संस्कार, एक होते हैं प्राथमिक शिक्षा, और एक फिर होती है हायर शिक्षा, हायर एजुकेशन। संस्कार क्या है, संस्कार तो वो संस्कार है जो बच्चा दो तीन साल तक, चार साल तक अपने घर में रहता है और घर में अपने माँ बाप के थ्रू संस्कार सीखता है, वो घर में जैसे माँ बाप को देखता है उस तरह का चीजों को सोचना शुरू करता है, उस तरह की चीजों को व्यवहार करना शुरू करता है, वो देखता है घर में, अगर बच्चे घर में माँ बाप जो घर से सीख रहा है, वो चीजें जो घर से संस्कार सीख रहा है वो उसका दूसरे भाव से दिखा जाता है, जो भी वो सीख रहा है घर से वो उसका सेकंड भाव से दिखा जाता है, जो सीख रहा है वो स्कूल में जाके जब उसको मदर उसको छोड़ने जा रही है या उसको बस लेने आ रही है, बस्ता लेके वो जा रहा है, अपना बैग लेके जा रहा है, तो वो चौथे भाव से देखते हैं। हायर एजुकेशन है तो वो पांचवे भाव से देखते हैं, जब वो ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, जब वहाँ वो अपने आप जाने के लिए लायक हो जाता है, कॉलेज में जा रहा है, अपने आप जाता है, तो वो सब वहां पे उससे देखते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि प्राथमिक शिक्षा जो आपकी है वो चौथे भाव से देखी जाती है। सर हाँ जी बोलिए सर, ऐसा जी सर मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, सेकेंड हाउस जो है वहां पर भी जो घर का शिक्षा जो है या संस्कार है वो भी दिखा जाता है ना सर? बिल्कुल, सेकंड भाव से घर जितने घर से संस्कार सीखते हैं बच्चे, वो एडमिशन से पहले, स्कूल में एडमिशन से पहले जो भी घर से शिक्षा लेते हैं बच्चे, आप घर में कोई आता है मिलने के लिए, आप कहते हो बेटे से जाके बोल दे कि पापा घर पे नहीं है, तो बेटा सीख गया झूठ बोलना, वो संस्कार सीख गया वो वाले, तो
वो धीरे धीरे सब चीजें जो घर से वो शिक्षा लेता है बेसिकली अपने बिना स्कूल जाए, वो द्वितीय भाव से देखी जाती है। जो स्कूल में जाता है वो प्राथमिक शिक्षा जो उसी होती है वो चौथे भाव से देखी जाती है। तो चौथा भाव प्राथमिक शिक्षा का भाव है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष की फसल ये किसानों के लिए है कि भाई हमारी इस बार कैसी फसल होगी, क्योंकि पुराने जमाने में तो फसल का ऊपर बहुत ज्यादा वो होता था, तो हमारी जो फसल है या कृषि भूमि है उसके ऊपर बहुत ज्यादा, कितनी कृषि भूमि हमारे पास होगी, हमारी फसल कैसी होगी, अच्छी होगी या नहीं होगी, वो सब चीजें हम चौथे भाव से देखते हैं। वो सब चीजें हम चौथे भाव से देखते हैं। भौतिक विलासिता यानी जितनी भी हमारी फिजिकल लग्जरीज है, हमारे पास क्या लग्जरीज होगी, वाहन होगा, बढ़िया मकान होगा, बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, वो सारा हम जो भौतिक विलासिता है वो हम सब चौथे भाव से ही देखते हैं। तो ये चार भाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद करने हैं कि चौथे भाव से क्या देखते हैं, थर्ड भाव से क्या देखते हैं, सेकंड से क्या देखते हैं, इनको आप याद कीजिए मोटा मोटा। अब चौथा भाव देखिए, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, जब आपको शुरू में बता रहा था मैं, प्रथम भाव होता है तनुभाव। तनुभाव मीन्स पूरा जो आदमी का शरीर का इंसान हो गया, शरीर हो गया। सेकंड भाव होता है धन भाव, उससे धन देखते हैं, परिवार देखते हैं, क्योंकि परिवार में भी धन, परिवार भी धन में ही शामिल होता है। थर्ड भाव होता है पराक्रम भाव, उससे पराक्रम, छोटी मोटी जर्नी, वो सब चीज आपको बता दी है। चौथा भाव होता है सुख भाव, तो ये सारी चीजें माता, मानसिक शांति, घर का माहौल, वाहन, मकान, प्राथमिक शिक्षा, ये सब सुख देती है, तो इसलिए ये सुख भाव कहलाता है चौथा भाव। तो ये चारों भाव आपको ध्यान में रखने हैं, ये आप याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। किसी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो या कोई इसमें कुछ और चीज जोड़ना चाहता हो, ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया है, इससे ज्यादा आपको अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे जब प्रेडिक्शन पर जाएंगे आप, तो धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे कि कौन से भाव से दिखनी है, कौन से भाव से नहीं दिखनी है, क्योंकि भावों के रिलेशन से बहुत चीज डिपेंड करती है कि चौथे भाव का रिलेशन दसवें भाव से क्या है, चौथे भाव का रिलेशन पांचवें भाव से क्या है, उस पर बहुत चीजें डिपेंड करती है, तो वो हम आगे बताएंगे। अभी आप मोटा मोटा ये याद कर लीजिए, इससे ही आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मनीषा जी कोई दिक्कत इसके अंदर? नहीं सर। आरती जी कोई दिक्कत? किरण जी आप कुछ कहना चाहेंगी इसमें और आगे? नहीं सर, सब समझ रहा है सर, सब समझ में आ रहा है। एक्चुअली मुझे पूछना है लेकिन वो बहुत आगे का है इसलिए मैं नहीं पूछ रही। आएगा आपको पूछना हो तो मुझसे वैसे पूछ लेना, आप अलग से फोन करके। जी मुझे महादशा से रिलेटेड थोड़ा पूछना था, मगर मैं आपको पूछ लूंगा। वो मुझसे आप अलग से पूछ लेना, क्योंकि यहाँ मैं बताऊंगा तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए। हाँ नहीं ठीक है, थैंक यू सर। हाँ और रुपेश? ये सर समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर। ठीक है तो हम लोग आज ये लेक्चर बंद करते हैं। फिर इस बार जैसे मैंने आपको बताया था कि सैटरडे में कहीं बाहर जा रहा हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन बाहर हूँ मैं, तो क्लास शायद ना हो पाए। सैटरडे तो नहीं होगी, संडे के चांसेस हैं 50-50। अगर जल्दी तक आ गया तो संडे हम क्लास कर लेंगे, शाम को क्लास कर लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक से जैसे क्लास होती है शेड्यूल्ड ऐसे क्लास होगी। इन द मीन टाइम आप लोग कुंडली बनाइए, कुंडली बना के ट्राई कीजिए, राशियां बैठाइए, लगन बैठाइए, सारे भावों में याद कीजिए कौन से भाव से क्या देखते हैं, वो सब आप याद करके रखिए। तो जब हमारी नेक्स्ट क्लास होंगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, तो हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीजें आपसे, चार भाव के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम दूसरे चार भाव चलेंगे, फिर तीसरे चार भाव चलेंगे। तो ऐसे ही हम पहले भाव खत्म करेंगे, फिर ग्रह खत्म करेंगे, फिर पंचांग खत्म करेंगे, और सारी चीजें दिशा वगैरह सब लेते जाएंगे, तो आगे आगे आपको क्लियर होते जाएगा सारा। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सर।